चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ध्यान से समझना। एक्स रेस टू ए प्लस बी होल पावर टू, एक्स रेस टू बी प्लस सी होल पावर टू, एक्स रेस टू सी प्लस ए होल पावर टू, और यहाँ पे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू ए, एक्स रेस टू बी, एक्स रेस टू सी होल पावर फोर, और आंसर हमें प्रूव करके वन लाना है। यहाँ पे पहले बेसिक आपको क्लियर ही है, लेकिन ये ध्यान में रखना है ए रेस टू एम है और होल पावर एन है, तो पावरों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एम इंटू एन। सेम चीज हम यहाँ पहले स्टेप में ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला लिखा ये टू है तो पावर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए प्लस टू बी हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, यहाँ पे टू बी प्लस टू सी। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू सी प्लस टू ए, ये हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स रेस टू फोर ए, फोर ए एक्स रेस टू फोर बी, एक्स रेस टू फोर सी, ये इतना आ गया। अब ध्यान से देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो, और यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है तो हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू, पावर होगा क्या हो जाएगा तो बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन होगा, तो टू ए प्लस टू बी, ये पहले वाला लिखा। अब लिखेंगे 2b प्लस टू सी लिखा, ये वाला लिखा। अब 2c प्लस टू ए लिखा तो ये हो गया। अब यहाँ पे पावर देखो तो यहाँ x x x x x x बेस है तो हम यहाँ पे लिख देंगे x 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब ध्यान से आगे चलते तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हमने लिखा x और यहाँ पे हम सिंपल वे में लिखेंगे 2a एंड यहाँ पे 2a, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2a 4a हो जाएगा, 2b 2b बच्चा तो हो जाएगा 4b, और यहाँ पे 2c एंड 2c तो हो जाएगा 4c, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 4a प्लस 4b प्लस 4c है ही। x की पावर वो आप समझ लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जैसे समझ लो एक सिंपल वे में बोल रहा हूँ 2 की पावर 3 और नीचे भी 2 की पावर 3 है तो दोनों कट हो सकते हैं और 1 आ जाएगा ना। सेम वे यहाँ पे भी x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c है, यहाँ पे भी x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c है, जो है एज इट इज ही लिखना है बच्चा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे खाली 4b है, तो एज इट इज सेम न्यूमरेटर है वैसा ही डिनोमेटर है, कट हो जाएगा तो x, तो यहाँ पे सिंपल कट होते ही 1 आ जाएगा, वो ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे 2 रेस टू 3 है, 2 रेस टू 3 है, कट होके 1 आएगा, सेम वे यहाँ पे पूरा कट हो जाएगा, ये स्टेप के साथ कंप्लीट कट हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो है बहुत सिंपल, बस जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ, प्रॉपर लिख लो सर साइड में हट जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।